My name is Hamad Ali और हमारे कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आज का टॉपिक अलर्ट डायलॉग बॉक्स का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने देखा था कि सिंपल हमने अलर्ट बॉक्स को शो करवाया था, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे या लिस्ट की फॉर्म पे डाटा दिखाएंगे, मल्टीपल चॉइस में डाटा दिखाएंगे और अपनी मर्जी से उसका UI जनरेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारे पास वही कोड है जो हमने लास्ट अलर्ट बॉक्स में यूज़ किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जितना भी अलर्ट बॉक्स का कोड था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। UI इसकी वही पुरानी है जिसमें एक बटन लगा हुआ है और इसकी स्ट्रिंग आइटम्स के अंदर एक छोटी सी अरे बना ली है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज डिफाइन की हुई है। सिंपल यहाँ पे हम एक जैसे पहले फंक्शन बनाया था पब्लिक void create alert डायलॉग और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अलर्ट डायलॉग का बिल्डर बना लेंगे जो कि हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट करके देगा। इसको हम पास करेंगे एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट जो कि करंटली ये रखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो मे बी आपको एरर जनरेट हो, तो आपने यहाँ पे या तो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पास करना है या अगर आप एक्टिविटी के अंदर है तो दिस का कीवर्ड पास करना है। अगर आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो ये एरर जनरेट कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद हम बिल्डर डॉट सेट लेट से जो भी है हमारे पास आइकॉन्स वगैरह उनको सेट करवा रहे हैं। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्राइवर डॉट इसमें से IC whatever इसमें से आपको जो भी लगता है कि रेलिवेंट है। लेट्स से मैं अभी फिलहाल इन्फो को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके अलावा हम क्योंकि ये हमें हर दफ़ा बिल्डर जो है वो इसी का ही ऑब्जेक्ट देता है, तो हम हर दफ़ा इस फंक्शन के साथ डॉट लगा के उसके बाकी फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। जैसे सेट आइटम्स का हमने कॉल करना है, पहले हमने सेट मैसेज कॉल किया था, अब हम सेट आइटम्स कॉल करेंगे। तो सेट आइटम्स के अंदर या तो हम इसको जावा के अंदर जिन ये हमारा कोड है इसके अंदर एक एरे बना के डाटा की वो प्रोवाइड कर दें, या हम जो हमने स्ट्रिंग की क्लास के अंदर जो अरे जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो अरे भी हम इसको पास कर सकते हैं। उस अरे को बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं इसी तरह हम यहाँ पे अरे क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे, नाम रखने के बाद उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स को ऐड करवा देंगे। यहाँ पे उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल आर डॉट अरे डॉट जो हमने उस अरे का नाम लिखा होगा वो अरे का नाम, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सिंपल हमने कंटेंट पास नहीं करना बल्कि वो कह रहा है कि इस कंटेंट के साथ आपने इसके ऊपर जो हर आइटम है उसके ऊपर जो लिस्नर आपने सेट करना है वो भी डिफाइन करना है, तो हम इसके लिस्नर को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ऑन क्लिक लिस्नर इसका कॉल करेंगे। इसके जो लिस्नर में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके लिस्नर के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नज़र आ रहा होगा विच डिफाइन करेगा कि इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हमने क्लिक किया है। लेट्स से हम वही वाला टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो करवा देते हैं, एक्चुअली हमने किस वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की थी या विच की जो वैल्यू थी उसको सिंपल हम प्रिंट करवा देते हैं। इंडेक्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं विच के साथ इसको कंकैटिनेट कर देते हैं। उसके बाद हमने टोस्ट की लेंथ को डिफाइन करना है। लेट्स से मैं फिलहाल लेंथ शॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारे
तो उसका कोड आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमने किस जो इंडेक्स को हमने क्लिक किया है। यहाँ पे हमें अमूमन इस तरह के डायलॉग बॉक्स के अंदर नेगेटिव बटन और पॉजिटिव बटन को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम इसमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद उस चीज़ में से बाहर आ जाता है और वो समझ जाता है कि आपने कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम अलर्ट क्रिएट कर देते हैं। अलर्ट डायलॉग यहाँ पे हमें बिल्डर डॉट क्रिएट कॉल करना है और उसके बाद हम अलर्ट डॉट शो को कॉल करेंगे। बटन हमारे पास वही पुराना है जो लगा हुआ है, आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, आर डॉट आई डी डॉट और बीटीए डायलॉग वाला जो बटन है उसके ऊपर हम सेट ऑन क्लिक लेते हैं, कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा आइकॉन आ गया है, इंफॉर्मेशन का सिलेक्ट कलर उसका टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास वो चार कलर आ रहे हैं जो कलर हमने अरे में सेट करवाए थे। हम जो सभी कलर को सिलेक्ट करेंगे, अगर रेड को सिलेक्ट करेंगे तो लिखा आएगा इंडेक्स ज़ीरो सेलेक्ट हुआ, अगर मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूँगा तो इंडेक्स वन है, इसी तरह अगर येलो को सिलेक्ट करूँगा तो इंडेक्स थ्री आ रहा है। तो ये हर कलर के जो इंडेक्सेज हैं ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस मरीज होंगे उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम यहाँ से जो आइटम वाला है हिस्सा इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, डॉट सेट मल्टी चॉइस आइटम। अब मल्टी चॉइस आइटम के साथ हम क्या करेंगे, वही हमारे पास कर देंगे जो हमने पहले की थी। आर डॉट अरे डॉट कलर्स और इसके साथ हम क्या पास कर देंगे, इसके साथ हम ये भी पास कर सकते हैं कि हमारी आइटम का कौन से नंबर वाला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। तो अभी फिलहाल मुझे किसी को भी सिलेक्ट नहीं करवाना तो मैं इसको नल पास कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं पास करूँगा इसका लिसनर। लिसनर के अंदर बेसिकली अगेन वही वाली बात है कि हम उसको देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी चेक्ड है या नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर हम उसको क्या करेंगे किसी लिस्ट के अंदर ऐड करवा देंगे और बाद में हम उस लिस्ट को फिर फेच कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट और लेट्स से ये इंटीजर की लिस्ट है जो कि हमारे इंडेक्सेस को एंटर करेगी। सिलेक्टेड आइटम इसका नाम रख देते हैं और इसको हमने क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास जो भी आइटम यहाँ से सिलेक्ट होगी हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या वो इज चेक्ड है, अगर तो वो इज चेक्ड है तो वो सिलेक्टेड आइटम के अंदर ऐड हो जाए, आइटम ऐड हो जाएगी उसका इंडेक्स ऐड हो जाए। ठीक है जी, आज के इसके अंदर हम उसको ऐड नहीं करते, हम उसको कहते हैं कि उसको रिमूव कर दें। आज के इसके अंदर अगर हमने किसी को टैप किया है तो सिलेक्टेड आइटम वाली अगर अनचेक है तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। यहाँ पे विक ठीक है, तो जो भी उस इंडेक्स ऊपर आइटम है या वो जो आइटम है उसको हम रिमूव करवा लेंगे।
अच्छा जी, अब ये आइटम्स रिमूव हो जाएंगी, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आइटम के ऊपर क्लिक करने से या चेक बॉक्स पे चेक करने से गायब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपने एक आइटम को सेलेक्ट करना है या एक से ज़्यादा को करना है। तो यहाँ पे हमें अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ पे बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन डिफाइन करेंगे। लेट्स ओके, और उसके बाद हम लिसनर को डिफाइन करेंगे। लिसनर को डिफाइन सेट पॉजिटिव बटन, और उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट से कह सकते हैं कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके बाद वट एवर गेट एप्लीकेशन आप कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। आइटम सेलेक्टेड, अभी हम देख लेते हैं कि सारी आइटम्स को कैसे हम शो करवा सकते हैं। और अभी फिलहाल मैंने सिंपल टोस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक लिस्टनर डिफाइन कर दिया है। इसी तरह सेट नेगेटिव बटन के ऊपर क्या करें, कैंसिल और यहाँ पे हम चेक क्रिएट कर लेते हैं उसका, और ये हमारे लिस्ट द्वारा डिफाइन हो जाएंगे। इसी को उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हम इन आइटम्स को शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। लेट से हमने ऊपर जो अपना वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है लिस्ट का सेलेक्ट आइटम्स, तो हम एक लूप लगा के लेट से फॉर लूप, और या हम उसके स्ट्रिंग्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली फॉर लूप के थ्रू ही हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट आई, और यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्टेड आइटम्स। तो जो भी सिलेक्टेड आइटम्स के लिए जो वैल्यूज होंगी वो इसमें आ जाएगी। लेट से हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेके इसके साथ इसको कंकेटिनेट करवा देते हैं इन आई वैल्यूज को। स्ट्रिंग मैंने इसको टेम्प का नाम दे दिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्प प्लस इक्वल टू आई। ठीक है जी, तो ये हर दफ़ा उसकी वैल्यू को फिर कैट करके उसके अंदर ऐड कर देगा। और लेट से आइटम सेलेक्टेड, और उसके साथ मैं लिख देता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन सी आइटम्स को मैंने सेलेक्ट किया है। काफ़ी लंबा कोड हो गया है, इसको जल्दी से हम चला के देख लेते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है या इसको डिबग करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब जो लिस्ट आ रही है उसके साथ चेक बॉक्सेस भी आ रहे हैं। नेट से मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, ब्लू पे क्लिक किया, और मैंने जब ओके क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि मैंने आइटम 1 और 2 को सिलेक्ट किया। दोबारा से जाते हैं, रेड को क्लिक किया, येलो को क्लिक किया, अब मुझे ये बताएगा मैंने आइटम 0 और 3 को सिलेक्ट किया। आइटम 0 और 3 सिलेक्टेड। अगर मैं पहली 3 आइटम को सेलेक्ट कर दूंगा तो ये मुझे बताएगा कि 0, 1, 2 को मैंने सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से हम किसी भी कम्बिनेशन में इसको सेलेक्ट करें, ये हमें सही इन्फॉर्मेशन देगा। लेट से मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया, ब्लू को सेलेक्ट किया, और मैंने ग्रीन को फिर अनचेक कर दिया, तो ये मुझे सिर्फ ब्लू का ही बताएगा। यानी कि जो मैं अनचेक कर दूंगा तो उसको वो लिस्ट में से रिमूव भी कर देगा। ठीक है जी, यहाँ तक हम ने किया है जो अलर्ट बॉक्स थे उनके अंदर आइटम लिस्ट को कैसे शो करवा सकते हैं, और मल्टीपल अगर चॉइस की अगर आइटम हो तो उनको कैसे शो करवा सकते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम जो हमारे पास कस्टम लेआउट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो तक उसको ले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।